अलैकुम। लगता है वाकई ईद आ गई है, गायब हो गए हैं लोग। अच्छा जी, दो हमने आज सिलेबस रेफरेंसेस की जो है वो आज करने हैं, रिवीजन। और ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, सिलेबस रेफरेंसेस ना, 6 और 7। अगर मैं जिसको समझता हूँ ना, आपका मतलब मेन जो कोर एरिया आपके कोर्स का है वो ये असल में 6 7, जिसको हम कहते हैं कि यार मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी कोई चीज होती है वो ये। तो स्टार्ट करते हैं, पहले 6 को देखते हैं। अच्छा यार, पिछले 2 3 दिन से ना, एक तो रमजान की वजह, फिर बिजली की वजह से, बाकी सारा कुछ ना, नींद पूरी हो सकी ना, बाकी काम आपका कुछ हो सका। इंशाल्लाह आज की रात आप लोगों के लिए रखी है मैंने, आज आपको साथ साथ वो कंप्लीट करके ना, रात को मैं इंशाल्लाह तो 12 बजे के बाद से स्टार्ट कर दूंगा आपको ग्रुप के अंदर ना नोट्स, ये बाकी भी सेंड कर दूंगा जो सिलेबस रेफरेंस रह गए हैं, और साथ साथ सिनेरियोस भी विद सॉल्यूशन जो है ना आपको वो सेंड करूंगा। तो फिर अगर किसी बंदे को प्रॉब्लम हो या ये, तो वो इंडिविजुअली भी पूछ सकता है मुझसे। तो आज इंशाल्लाह ये आज के लिए आपकी गलती है पूरी रात। अच्छा, सिलेबस रेफरेंस 6, अगर मैं एग्जामिनर हूं ना, तो मेरा मोस्टली पेपर आपके इसमें से होगा। क्यों होगा? क्योंकि असल में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और आप बात करें जो मैनेजेरियल स्ट्रेटेजी मेकिंग और बाकी सारी चीजें आती है ना, उसमें ये कॉन्टेक्स्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि इसमें 3 मेन एरियाज आते हैं जो कि पोर्टर, माइकल पोर्टर कवर करता है, और एक जो थी वो कॉस्ट रिडक्शन मेथडोलॉजीज। ये 4 मेन एरियाज हैं इस सिलेबस रेफरेंस के अंदर, और चारों ही नहायत इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब कंपनी ने कंसीडर करना है अपने आप को एज ए न्यू कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी, कंपेटिटर्स को, बाकी सारी चीजें, तो वहां पे ये चीज बड़ी इम्पोर्टेंट। देखते हैं जरा जनरल जनरल ऊपर से। यहाँ पे हमने देखा था, ये बेसिकली सिलेबस रेफरेंस है कंपेटिटिव स्ट्रेटेजीज का। मार्केट में जब आप बिजनेस करते हैं, तो याद रखें हर टाइम पे डिफरेंट फोर्सेस होती हैं। हमने ये बात की थी, इंटरनल फोर्सेस भी होती हैं, एक्सटर्नल भी होती हैं, बट ये कहता है कंपेटिटिव फोर्सेस। और कंपेटिटिव फोर्सेस का मतलब ये है कि आपके साथ जब आपका कंपेटिटर है मार्केट में, आप अकेले नहीं, तो आप हर चीज अपनी स्ट्रेटजीज, अपने जो स्टेप्स होते हैं वो अपने कंपेटिटर को देख के लेते। 3 मेन चीजें इंडस्ट्री में वो क्या है? नंबर 1 कि कंपेटिटिव फोर्सेस कौन सी हैं। माइकल पोर्टर ने बताया था कि 5 मेन फोर्सेस होती हैं, जो इन पे कंट्रोल कर लेता है वो कंपेटिटिव एडवांटेज लेता है। असल में ये जो पूरा सिलेबस रेफरेंस है ना, इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि हाउ टू अचीव कंपेटिटिव एडवांटेज। क्योंकि ये जब आप बात करते हैं ना कंपेटिटिव एडवांटेज की, यहाँ पे तो ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर मेन रोल प्ले कर रही हैं। तो पहली बात कि जी इंडस्ट्री में मेन कंपेटिटिव फोर्सेस कौन सी हैं, एंड नंबर 2 कि फर्म किस तरह से कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव कर सकती है, नंबर 3 के कौन सी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स परफॉर्म करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंपेटिटिव एडवांटेज। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा था पोर्टर का, वो जेनेरिक स्ट्रेटजीज का मॉडल था।
पोटर ने कहा था कि ये जेनेरिक स्ट्रेटजीज क्या है, बेसिकली वो स्ट्रेटजीज जो कि आपको एब्सोल्यूट कंपेटिटिव एडवांटेज देते हैं। मतलब ये अगर इनमें से कोई भी चीज आप कर लें तो हर हाल में गारंटेड प्रॉफिट, आपको कंपेटिटिव एडवांटेज आई है। उसमें पहली स्ट्रेटजी उसने कही थी कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब ये होता है आप उस कॉस्ट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें या ऑफर करें मार्केट के अंदर के आपके कंपेटिटर के लिए पॉसिबल ही ना हो कि वो उतनी प्राइस के ऊपर मार्केट में बिजनेस कर सके, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके, सोल्ड आउट कर सके। अच्छा, अब ये इंटरनल एफिशिएंसी की वजह से अचीव हो रहा होता है। इसमें कंपनी ऐसे ही नहीं ये अचीव कर लेती है। इसमें आपको याद हो तो मैंने वो सेवर की एग्जांपल दी, किस तरह से उन्होंने अपने रॉ मटेरियल के ऊपर कंट्रोल हासिल किया, उससे प्राइसेस कम की, तो अल्टीमेटली क्या हो गए, वो मार्केट में कॉस्ट ही कर। नंबर टू इज डिफरेंशिएशन। अच्छा, डिफरेंशिएशन का मतलब ये है बेसिकली कि जो आपका कस्टमर है वो आपकी प्रोडक्ट और कस्टमर की, जो आपका कंपेटिटर है उसकी प्रोडक्ट के अंदर क्या वो डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकता है, वो डिफरेंशिएट कर सकता है। मतलब आपकी प्रोडक्ट के अंदर कौन से फीचर है जो कि आपके कंपेटिटर की प्रोडक्ट में नहीं है, या कंपेटिटर की प्रोडक्ट में है आपकी में नहीं, वो कौन से फीचर्स ऑफर कर रहे हैं, क्या फार्मूला है, बाकी सारी चीजें। देखिए ये जो आप एडवर्टाइजमेंट करती हैं कंपनीज, ये क्या है, ब्रांड वगैरह को प्रमोट करने के लिए होती है। और आपको पता होता है इस ब्रांड की ये कैपेबिलिटी है, ये है, ये चीज़ है। आप जो भी चीज़ परचेज करने जाते हैं जिन ब्रांड्स के बारे में आपको पता है, तो आपने माइंड सेट बनाया होता है यार इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये चीज़ ऑफर करता है, इसमें ये चीज़। तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लाइक देखें आप, फॉर एग्जाम्पल अभी एक बड़ा प्रॉब्लम है, बट देखिए जब हम बात करते हैं एंटी लाइस शैम्पू की तो आपके माइंड में फौरन आएगा इंग्लिश। आपने डिफरेंशिएट कर लिया ना। अच्छा, फिर डेंड्रफ। अब एक नहीं है, लियर भी है, हेड एंड शोल्डर्स भी है, उसके बाद पेंटीन में भी है, सनसिल्क में भी है, डव में भी है, ट्रेस्मी में भी है। अल्टीमेटली इसमें अब आपकी ब्रांड एफिलिएशन बहुत काम आने वाली है। बाज बात, क्योंकि लोगों को पता, सबसे पुराना एक पाकिस्तान में शैम्पू हेड एंड शोल्डर्स डैंड्रफ के लिए पहचाना जाता है, तो मोस्टली लोगों की बाइंग उसी के साथ एसोसिएट करती है। फोकस। फोकस ये कहता है, देखें आप कभी भी किसी भी मार्केट को फुल 100% एड्रेस नहीं कर सकते। आप मार्केट के सेगमेंट्स बना लें और उन सेगमेंट्स को बड़ी अच्छी तरह से फिर आप टारगेट करें और वहां पे सर्विस। देखें अब पैम्पर एडल्ट्स की कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया, वो बेबीज और उसमें भी स्पेसिफिक एज ग्रुप्स के लिए प्रोडक्ट्स। तो क्या होता है कि आप जब पूरी मार्केट के ऊपर कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते तो उस केस में सबसे अच्छी ऑप्शन क्या होती है, आप फोकस करें। उसके बाद जी वैल्यू चेन एनालिसिस था, जिसमें हमने बताया कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स किस तरह से रोल प्ले करते हैं कंपेटिटिव एडवांटेज। अच्छा, अब याद रखिएगा, जिस तरह अब ऊपर हमने ये जेनेरिक स्ट्रेटजीज पढ़ी हैं, इसमें डायरेक्टली जेनेरिक स्ट्रेटजीज का वर्ड यूज करके भी आपको कह सकता है, क्वेश्चन दे सकता है। नंबर टू आपको कह सकता है एब्सोल्यूट कंपेटिटिव एडवांटेज आप कैसे ले सकते हैं, कि हर हाल में हो गई होगा तो भी ये हो सकता है। ठीक है, ये यूं कह सकता है कि द स्ट्रेटजीज विच कैन यूज फॉर
सुपीरियर प्रॉफिट्स यू भी कह सकता है, तो वो सारी की सारी जब बहुत ज्यादा मतलब सुपीरियर की बात कर रहा है, जब बात कर रहा है आपको कि जी जेनेरिक की बात कर रहा है या एब्सोल्यूट की बात कर रहा है, तो उस केस में जेनेरिक ही आंसर बनेगा। अच्छा, ये जो वैल्यू चेन है इसका नाम वैल्यू चेन भी करके यूज कर सकता है, प्राइमरी एक्टिविटीज भी कह यूं भी कह सकता है कि प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी हैं जो कि बिजनेस में अपना रोल प्ले करती हैं फॉर कंपेटिटिव एडवांटेज, तो उसमें सिर्फ प्राइमरी आएंगी, फिर सेकेंडरी नहीं, यूं ही आपसे हो सकता है सेकेंडरी पूछ ले। अच्छा, फिर नेक्स्ट यूं ही आपसे कह सकता है, जनरल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, हो डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है ना वो आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज के अंदर जो है ना किस तरह से मेन रोल प्ले करती है, तो वो भी हो सकता है। जॉनसन एंड शोल्स ने बेसिकली ये मॉडल दिया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसने कहा था दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी वैल्यू चेन एंड नंबर टू इज सेकेंडरी वैल्यू चेन। अच्छा, अब प्राइमरी वैल्यू चेन के अंदर कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? एक, नंबर वन इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, नंबर टू ऑपरेशंस, नंबर थर्ड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, नंबर फोर मार्केटिंग एंड सेल्स, और नंबर फाइव इज सर्विसेज। तो ये ओ आयशा, तुम यहाँ पे वो लगता है बैठ के पीछे न्यूज़ सुन रही हो, है ना? ये लगता है मुझे शहबाज शरीफ से बहुत इंस्पायर। गुड। अच्छा, अब इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर कौन सी एक्टिविटी आती है? बेसिकली रॉ मटेरियल को परचेज करना, कंपनी के अंदर लाना, यहाँ तक, ये क्या है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स? तो देखिए ना, अगर इसमें क्योंकि मेनली परचेजिंग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, अगर वो अच्छा सस्ता और क्वालिटी वाला रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो अल्टीमेटली उसका एडवांटेज किसको है? कंपनी को, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा और वो कम प्राइस के ऊपर मार्केट में प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं। तो ये है कि कितना एफिशिएंटली आप ट्रांसपोर्ट को मैनेज करते हैं, ट्रांसपोर्ट के जो इश्यूज हैं वो सारे रिजॉल्व करके अच्छी तरह से मटेरियल हैंडल करके कंपनी के अंदर ले आए, ये हो गया इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। नंबर टू, ये ऊपर चला गया, मैं गलती से मैं सही करके भेजूंगा, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में क्या है बेसिकली, आपने अब वो जो रॉ मटेरियल परचेज किया कंपनी के अंदर ले गए, अब आपने उसको ट्रांसफॉर्म करना है फिनिश गुड के अंदर, तो जितना एफिशिएंट आपका प्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, कन्वर्जन जितनी ज्यादा अच्छी होगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि अल्टीमेटली देखे ना, अगर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा या ये, तो एफिशिएंसी आप अचीव नहीं कर सकते। यहाँ तो आपने मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना, फिर साथ ही साथ सारे वहाँ जो प्लांट मशीन इक्विपमेंट है उनकी मेंटेनेंस, पैकिंग, असेंबली लाइंस, बाकी सारी चीजें, ये किसके अंदर आती हैं? ऑपरेशंस में। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स की बात करें तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या है कि अब वो जो कन्वर्जन कर दी आपने रॉ मटेरियल की, फिनिश गुड में पैकेजिंग होगी सारा कुछ, अब आपने वो फाइनल कस्टमर तक पहुंचाना। अच्छा, इसमें दो चीजें होंगी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में, भी ऐसा भी हो सकता है कि आपने वो चीज मैन्युफैक्चर कर ली, फिनिश गुड में ट्रांसफॉर्म हो गई, बट अभी आपने फ्यूचर सेलिंग पर्पस के लिए उसको अपने वेयर हाउस में रख लिया, कैरी कर लिया, मे बी, तो ऐसा भी हो सकता है, या डायरेक्टली मार्केट में ले गए सोल्ड आउट करने के लिए। इसमें फिर से ट्रेवलिंग जो है ना वो इन्वॉल्व हो, तो कितना एफिशिएंटली आप ये मैनेज करते हैं सारी चीजें। उसके बाद है मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग का काम क्या है? कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करना, एंटिसिपेट करना,
और 4 PhD प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन और सर्विस डिपार्टमेंट आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेल सर्विसेज इंस्टॉलेशन वारंटीज गारंटीज जिनको हम आफ्टर सेल सर्विसेज बोलते 24/7 का कॉन्सेप्ट कस्टमर का कॉन्टैक्ट विद कंपनी कोई हर्डल्स की प्रॉब्लम्स आ रही उससे रेलिवेंट कोई गाइडलाइंस लेना चाह रहे वो अच्छा फर्दर ना यहाँ पे वो ये कहता है कि देखे ठीक है ये है बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो वैल्यू चेन है ना कहता है क्योंकि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वर्क प्रैक्टिसेस और बाकी सारी चीज़ें जो होती है ना वो डिफरेंट होती है जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर में बहुत फर्क है। सर्विसेज सेक्टर में तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का या ये तो कॉन्सेप्ट नहीं है तो वहां पे ये प्रैक्टिसेस कुछ और हो वहां पे वैल्यू चेन किसी और तरह से काम करता है। फिर कई बातें यहां पे हम बात कर रहे थे अभी हमने देखा कि जी चीज बन गई है ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट तो ये भी है ना कि उसकी जो ये वैल्यू हमने वैल्यू एडिशन करते गए वैल्यू चेन का मतलब है एक लेवल से नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल से नेक्स्ट लेवल तक और वैल्यू एडिशन होती है। बात यह है कि प्राइस क्या है और क्या वो प्राइस कोई भी कस्टमर पे करने के लिए एग्री है विलिंग टू पे है क्योंकि अल्टीमेटली परचेज तो उसने करना और अगर नहीं करेगा तो फिर क्या होगा प्रॉब्लम। उसके बाद कहता है सेकेंडरी वैल्यू चेन में कौन सी एक्टिविटीज आती है इसको सपोर्टिंग एक्टिविटीज भी बोलते हैं। नंबर वन इज परचेजिंग। अच्छा अब परचेजिंग में सिर्फ रॉ मटेरियल ही नहीं है ये जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है ना ये हर चीज के साथ इंटैक्ट है मतलब आपकी सप्लाईज भी जो एसेट्स भी इक्विपमेंट्स भी टूल्स बाकी सारा कुछ बट मेन एम क्या है ये किस तरह से वैल्यू ऐड कर सकते हैं कि बेसिकली जो भी मटेरियल जो भी कंपोनेंट ये परचेज करने जा रहे हैं ऑथेंटिक सोर्स से करें चीप सोर्स से करें क्वालिटी को इंश्योर करें कई सारी चीज। उसके बाद कहता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अच्छा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में क्या चीज़ है तो बेसिकली आप किस तरह से टेक्नोलॉजिकल सिस्टम जो है ना वो डेवलप करते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट डिज़ाइन की बात करें आईटी सिस्टम फिर वो हमने पीछे इंफॉर्मेशन सिस्टम जो पढ़े थे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम या बाकी सारा कुछ ये आप किस तरह से करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को डेवलप करना ये सारी चीज़ें सीखें कॉरपोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के मैनेजमेंट के सिस्टम्स के प्लानिंग कैसे होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होती है क्वालिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिफरेंट एस्पेक्ट्स मैनेजमेंट के तो कॉरपोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हम सिंपली ये कह सकते हैं वर्क फ्लो क्या है स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है चेन ऑफ कमांड क्या है ये सारी की सारी चीजें किसमें आ जाती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन एक्टिविटीज को डील करना जो कंपनीज इनको डील करती हैं वो अल्टीमेटली क्या कर लेती हैं कंपेटिटिव एडवांटेज गेन कर। अच्छा उसके बाद हमारे पास है पहले हमने बात की कि अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर जी 5 मेन फोर्सेस होती हैं जो इन फोर्सेस के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं वो कंपेटिटिव एडवांटेज ले लेते हैं। तो पहली मेन फोर्स है थ्रेट फ्रॉम पोटेंशियल एंट्रेंट्स। देखते हैं एग्जिस्टिंग कंपनीज को हर टाइम पे ये थ्रेट होता है कि मार्केट में कोई भी न्यू प्लेयर आ गया तो अल्टीमेटली
उस कंपनी का क्या बनेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है कि उस कंपनी का क्या बनेगा, मसला ये होता है कि एक चीज होती है, एक चीज को हम बोलते हैं मार्केट पोटेंशियल। अच्छा, अब ये जो मार्केट पोटेंशियल होता है, ये बेसिकली क्या है कि देखें, एक मार्केट मिलके बनती है बायर्स एंड सेलर्स। अच्छा, अगर वहां पे उस मार्केट के अंदर बायर्स जो है वो एक लिमिटेड कैपेसिटी के अंदर है, और हर कंपनी ने उसमें से अपना शेयर इक्वायर करना होगा। अल्टीमेटली देखें, जब न्यू एंट्रेंट आएगा मार्केट के अंदर, तो जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनका शेयर क्या सेम रहेगा? कभी भी सेम नहीं रहेगा, क्योंकि कस्टमर तो स्विच भी करेंगे उसमें से। तो अल्टीमेटली इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है न्यू एंट्रेंट के आने का, नंबर वन कि आपका मार्केट शेयर वो नहीं रहेगा, नंबर टू जब वो मार्केट शेयर सेम नहीं रहेगा तो रेवेन्यू भी सेम नहीं रहेगा, रेवेन्यू जब सेम नहीं रहेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी सेम नहीं रहेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे ये देखते हैं कि हम किस तरह से हर्डल्स या बैरियर्स क्रिएट करें न्यू इंट्रेंट्स के लिए, ताकि वो मार्केट के अंदर इंटर ना हो पाए, हम उनकी एंट्री को रिस्ट्रिक्टेड करें। तो वो बैरियर्स कौन से हैं? नंबर वन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है? हाउ टू मिनिमाइज पर यूनिट कॉस्ट। तो एग्जिस्टिंग कंपनीज क्या करें, अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट ले लें, पर यूनिट कॉस्ट कम कर लें, तो अल्टीमेटली न्यू कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल है वो आए, क्योंकि ये तो आगे लो प्राइस पे प्रोडक्ट सोल्ड कर रहे हैं, और जो न्यू कंपनी आई है उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, अभी न्यू न्यू बाकी सारा कुछ है, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की होगी, तो वहां पे प्रॉब्लम ये है कि उनको तो कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है। तो जो पहले से प्लेयर्स मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो तो फिर आगे नहीं आने देंगे। फिर कहता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। अच्छा, ये अब नेचुरल बैरियर है। नेचुरल बैरियर इसलिए है क्योंकि बाज इंडस्ट्रीज के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इतनी ह्यूज है कि हर कोई नहीं आ सकता उस बिजनेस के अंदर, जैसे एयरलाइंस, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया। ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें बड़ी ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो ये एक इटसेल्फ नेचुरल बैरियर है कि न्यू कंपनीज बाज का जो कि चाह भी रही होती हैं या ये वो नहीं आ सकते। क्यों? वहां पे जो लाइसेंस है बाकी सारा कुछ है वो पॉसिबल नहीं है उनके लिए। नेक्स्ट इज एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। देखें, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज होती हैं उन्होंने तो अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स डेवलप कर लिए होते हैं, और न्यू ने आना होता है, अभी सप्लायर बाकी सारा वेंडर वगैरह ये अपॉइंट करने होते हैं। अच्छा, इस पे अगर आपको याद हो, जब हमने ये की पढ़ा था टॉपिक, तो मैंने उस टाइम पे आपको एग्जांपल दी थी रोज पेटल और टक्स टिश्यू की, टक्स ने किस तरह से आके वो रोज पेटल के जो थे ना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स उनको एक्वायर कर दिया, और मार्केट से रोज पेटल को साइडलाइन किया। पे होता है, एग्जिस्टिंग वाले भी इससे कंपीट करते हैं, और जो न्यू होते हैं वो भी यही करते हैं। ये तो इक्वायर आप कर सकते हैं किसी भी तरह से, बेसिकली तो कंट्रोल आपने लेना। उसके बाद है नाउ हाउ। ये वो डिसएडवांटेज है जो कि शायद न्यू कंपनी जो है ना वो कभी भी फुलफिल नहीं कर सकती, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं किसी भी इंडस्ट्री में, या ये वो तो बहुत अरसे से हैं,
उनको बिजनेस के बारे में हर चीज नाउ हाउ है, किस तरह से ऑपरेट करना है, बाकी सारी चीजें न्यू के लिए अभी तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा ना। अच्छा यही होता है कि जो न्यू कंपनीज आती है ना, वो इसीलिए मार्केट में से फिर एक्सपीरियंस्ड स्टाफ उठाते हैं। इन्हीं कंपनीज के जो बड़े बड़े इम्प्लॉयज होते हैं, मैनेजरियल लेवल्स होते हैं, उनको ज्यादा सैलरीज ऑफर करके अपने पास लाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो जो फेलियर के चांसेस हैं वो नहायत मिनिमाइज किए जा सके। उसके बाद स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट होती है बेसिकली जब आप एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर की तरफ स्विच कर दें। देखें, एग्जिस्टिंग वाले ने तो ये सप्लायर जो ये सारा कुछ अडॉप्ट किया हुआ, अब मसला ये है अगर आप उस सप्लायर से नहीं मटेरियल लेते, किसी और से लेते हैं, मे बी वो ज्यादा हो कॉस्ट। अच्छा अब ये क्या करें, फॉर एग्जाम्पल ये भी होता है ना कि ऑडिट प्रैक्टिसेस की जब हम बात करते हैं कि जी ये कंपनी किस फर्म से ऑडिट कराती है, ये वो ऑडिट फर्म का नाम इटसेल्फ आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ लग जाए तो वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और ज्यादा रिलायबल ऑथेंटिक समझी जाती है। बट देखें कि अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी अभी किसी मीडियम साइज ऑडिटिंग फर्म से ऑडिट करा रही है, कल को उसने बड़ी से जाना है, तो अल्टीमेटली कॉस्ट सेम तो नहीं रहेगी, चेंज होगी। अच्छा न्यू वाला तो शायद बी कर ना पाए, एग्जिस्टिंग वाले की तो मजबूरी है कि अगर वो चाह रहा है ये चीज करना तो वो करे, और न्यू वाला तो बड़ा मुश्किल है वो फिर टॉपअप कर सके। ये स्टार्टिंग में ही ऐसा फर्म हायर कर ले, या ये कि इतना पैसा कहाँ से, इतना सेल्स रेवेन्यू जनरेट होगा तो कुछ वो कॉस्ट और ये बाकी सारी चीजें बर्दाश्त कर पाएंगे। फिर एक और नेचुरल बैरियर है जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट रेगुलेशन। अब ये गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या है, बेसिकली ये भी एक नेचुरल हर्डल। बाज इंडस्ट्रीज के अंदर जो बिजनेस करने के रूल्स रेगुलेशन होते हैं बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, हर किसी को इजाजत भी नहीं मिलती कि आप वो बिजनेस कर सकें उस सेक्टर में। फिर कुछ लीगल ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, मतलब कॉपी राइट्स मिल गए, पेटेंट्स, बाकी सारी चीजें, लाइसेंस, ये वो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि न्यू बिजनेस को हर टाइम पे फेस करनी पड़ती है। एग्जिस्टिंग इनका सामना करके आगे उसे अपने आप को स्टैब्लिश कर रही है, बट न्यू वाली ने अभी ये सारी कंडीशंस फुलफिल करनी है, ये माइंड में रखना है उसे। उसके बाद कहता है थ्रेट फ्रॉम सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। यस, हर टाइम पे है मार्केट में, आप अकेले नहीं है, आप प्राइस ज्यादा करेंगे आपका कस्टमर स्विच कर देगा, वो आपका कंपेटिटर करेगा तो कर देगा। अल्टीमेटली दो ही चीजें होती है जो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो इलास्टिसिटी में, या तो आपकी प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट होती है या कंप्लीमेंट होती है। अगर सब्स्टिट्यूट है तो याद रखें हमारी प्राइस चेंज होने की वजह से दूसरी प्रोडक्ट की डिमांड हर हाल में बढ़ने वाली है या कम होने वाली है। और अगर हम कंप्लीमेंट हैं तो हमारी डिमांड की वजह से दूसरी कंपनी की डिमांड भी इफेक्ट होने वाली है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई। आजकल आप चाहते हैं डिस्काउंट मिले, तो बात यही है कि बाज इंडस्ट्रीज में एक मेन सप्लायर या कुछ ऐसे सप्लायर्स होते हैं जो कि डोमिनेट होते हैं। अल्टीमेटली अगर आप अपनी कंपेटिटिव पोजीशन बरकरार रखना चाहते हैं तो आपकी कोशिश होती है प्रोडक्ट के साथ तजर्बे ना दिए, जहां से आप चीजें परचेज कर रहे हैं, मटेरियल कर रहे हैं, आप कहते हैं अच्छा यार यही हो, न्यू सोर्स करेंगे, दोबारा से सारी चीजें मॉनिटरिंग कंट्रोल सारा कुछ हमें दोबारा करना पड़ेगा।
अब ऐसी चीज बाज बिजनेसेस में ऐसे हैं कि आप जो अपने कस्टमर के साथ डील करते हैं वो कुछ और होती है, आप अपने जो ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि बल्क में चीजें लेते हैं ये उनके साथ कुछ और डील होती है। वो तो आपके बिजनेस कस्टमर्स हैं ना। कस्टमर तो डिस्काउंट मांगता है सिंपल, अब आप कैसे मैनेज करें। बास कंपनी ने बड़ा सिंपल रूल रखा होता है, अच्छा जी बल्क में परचेज करने इतना डिस्काउंट मिलेगा, सिंगल के ऊपर कोई नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट फिर वो ये कहते हैं कस्टमर तो हम भी हैं, हमारा क्या कसूर। बात तो ठीक है, जब डिस्काउंट की पॉलिसी है तो वो बेशक एक सिंगल हो बेशक मल्टीपल हो चीजें उस पर देना देना। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, किसी भी इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी, किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का रिलायक किस चीज के ऊपर होता है, कस्टमर। कस्टमर ही वो हैं जो आपको फेल करते हैं, कस्टमर ही वो हैं जो कि आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। बास तो पावरफुल बायर्स जो होते हैं उनका इंपैक्ट किसी भी इंडस्ट्री में इतना ज्यादा होता है, वो ही प्राइसेस कंट्रोल करते हैं, वो ही प्राइसेस हाई लो लेके जाते हैं। तो अल्टीमेटली कस्टमर क्या चाहता है, क्वालिटी एट लो प्राइस, और कंपनीज हैं इस चीज को इंश्योर करना होता है। अच्छा फिर हर कस्टमर की बाइंग पावर सेम नहीं होती, ये अकॉर्डिंग टू सोशल ग्रुप्स सोशल क्लासेस ये चीज एग्जिस्ट करती है। अपर क्लास में कुछ और होगी, मिडिल में कुछ और होगी, मिडिल लोअर में कुछ और होगी, लोअर में कुछ और होगी। बांस कस्टमर ज्यादा परचेजेस करते हैं, बांस कम करते हैं। बांस का प्रोडक्ट्स आपकी डिफरेंशिएटेड होती है, बांस का डिफरेंशिएटेड नहीं होती। बांस का तो आपका एक सप्लायर से दूसरा सप्लायर चेंज करना बड़ा आसान होता है, उसमें इतनी ज्यादा स्विचिंग कॉस्ट नहीं होती, बाद में होती। ये सारी बातें आपको देखनी पड़ती। नेक्स्ट फोर्स इज कंपेटिटिव वाइल्ड, तो मार्केट में आपके राइवल्स हैं, कंपटीशन भी है। ट्रेडिशनल बेसिस ऑफ कंपटीशन क्या थी, क्वालिटी प्राइस, जिसकी बेसिस पे मोस्टली कंपेटिटर आपस में कंपीट कर रहे थे। सेम साइज के भी होती हैं फर्म, बड़ी छोटी में भी कंपटीशन आ जाता है, बाज बार डिपेंड करता है। बट यहाँ पे एक चीज कंफर्म के भाई, ये राइवरी की कोई बेसिस लाजमी है। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज थी एक और बड़ा इशू। बात यहां पे ये है प्राइसिंग स्ट्रेटजी में, डिफरेंट टाइप की प्राइसिंग एग्जिस्ट करती। मसला ये है कि कंपनी सारी मेथोडोलॉजीज तो यूज नहीं कर सकती प्राइस सेटिंग। बात यहां पे ये है कि मैनेजर उसमें से कौन सी प्राइसिंग मेथोडोलॉजी यूज करे जो कि कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। देखें फॉर एग्जाम्पल मैं दो मेन मेथोडोलॉजीज की बात करता हूँ, एक को हम बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन और एक को बोलते हैं स्कीमिंग। अच्छा अब पेनिट्रेशन में क्या है,
स्टार्टिंग में आपने प्रोडक्ट की लो प्राइस रखी, देखा अच्छा जब डिमांड बढ़ गई है ये, तो आपने प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज कर दी। स्कीमिंग में स्टार्टिंग में ज्यादा रखी, आपने अपना मार्केट शेयर ले लिया और आखिर में जाके प्राइस प्रोडक्ट की क्या कर दी, कम कर दी। मोस्टली ये जो सेलुलर फोन कंपनीज होती हैं आपको इसके सामने आप नजर आ रहा है, वो एक टाइम तक जितने वो सेल्स एक रेवेन्यू का लेवल वो अचीव करना चाहती हैं वो कर लेती हैं, उसके बाद क्या कर लेते हैं प्राइस लो। अच्छा, हर इंडस्ट्री के अंदर ये प्रैक्टिस सेम नहीं है, बट एक चीज सेम, बिजनेस जो भी है भाई, बिजनेस चाहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो, कंसर्न एक है। प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज अलग हैं, ऑडियंस अलग है, बट टैक्टिक्स सेम। प्रॉफिट अर्न करेंगे तो सर्वाइव है। आपके लिए आपकी कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा सूटेबल है, आपको कौन सी चीज है जो कि अट्रैक्ट करती, आपको किस तरह से किस चीज को एज ए पॉलिसी यूज करना, तीन मेन एलिमेंट्स होते हैं प्राइस में। नंबर वन, प्रोडक्ट की कॉस्ट। नंबर टू, मार्जिन। नंबर थर्ड इज टैक्स। ये तीन चीजें मिलके आपकी क्या बनाती है प्रोडक्ट की प्राइस। अब हम बात करते हैं जब मार्केट कंपटीशन की, कंपटीशन प्राइसिंग क्या है कि बेसिकली जब आप अपने कंपेटिटर को देख के प्राइस सेट करें प्रोडक्ट, आपकी प्राइस कंपेटिटर की प्राइस से मैच करती है, आपका कस्टमर वो प्राइस पे करने के लिए एग्री हो आपकी कंपेटिटर की निस्बत, आपको वॉल्यूम कितना होगा, प्राइस कितनी है, उसके हिसाब से क्वांटिटी कितनी। बात ये, कंपटीशन प्राइसिंग आप यूज कब करते हैं, हर टाइम पे तो नहीं ये चीज हो सकती। लो कॉस्ट और कमोडिटाइज प्रोडक्ट्स के लिए आप यूज करते हैं कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। तब होती है ये, काम आती है जब मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर जो होता है वो कस्टमर के लिए इनरेलेवेंट है, जो मर्जी हो कत्ता है नजर हमें क्या लगे, क्योंकि जहां पे फिर ब्रांड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा या ये होगा वहां पे फिर ब्रांड लॉयल्टी भी एग्जिस्ट करेगी, सारा कुछ होगा। फिर कहता है ये उन प्रोडक्ट्स के लिए सूटेबल है जो कि 100% सब्स्टिट्यूट हो, जारी बात है तब भी हो। कहता है आप कैसे प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सेट करें, तो कहता है पहले एवेल्युएट करें प्राइसिंग पोटेंशियल। नंबर वन, क्या आपका कोई ये जो बिजनेस है ये कोई यूनिक प्रोडक्ट है, क्या है उस प्रोडक्ट के हिसाब से उसका प्राइसिंग पोटेंशियल क्या है, मार्जिन ज्यादा रखने की ऑप्शन है या नहीं है, डिमांड क्या है, बाकी सारा कुछ। प्राइसिंग पोटेंशियल जो होते हैं ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं मिल के डिटरमाइन, जैसे जियोग्राफिकल मार्केट, बास जगहों पे अल्टीमेटली जियोग्राफिकली वो प्रोडक्ट इतनी मशहूर होती है ये जिसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी, ऑपरेशन की इन्वेंट्रीज कितनी, डिमांड फ्लक्चुएशन, कंपेटिटिव एडवांटेज, डेमोग्राफिक डेटा, ये सारे वो फैक्टर हैं जिनसे मिल के चीज़ें बन रही होती हैं। फिर कहते हैं डिटरमाइन योर बायर परसोना। अच्छा, बायर परसोना बेसिकली है कि आप देखना चाह रहे हैं कि आपके कस्टमर की परचेजिंग पावर एग्जिस्ट करती, नंबर वन।
ये इनकम के हिसाब से, ये डेमोग्राफिक फैक्टर से, लाइफस्टाइल क्या कस्टमर का, ये उसको फुलफिल कर रही है कि नहीं, विलिंग टू पे, जो मैंने आपको बता दिया कस्टमर पेन पॉइंट्स क्या हैं, कैसे आप हिट कर सकते हैं, कैसे कस्टमर की अटैचमेंट ले सकते हैं। अगला, एनालाइज करें हिस्टोरिकल डेटा को, क्या कहते हैं सेल्स कैसे हो रही थी, क्या रीजन थी सेल्स डिक्रीज होने की, इंक्रीज होने की, बाकी सारी चीज़ें। नेक्स्ट कहता है स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन वैल्यू एंड बिजनेस गोल्स। तो ये वो कह रहा, प्राइसिंग आपकी बाइंग पर्सोना के हिसाब से होनी चाहिए, और इसको आप वक्त के साथ साथ बेटर करें ताकि आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें। आपकी कहता है इसमें इंटेंशन क्या होनी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो, कैश फ्लो इंक्रीज हो, मार्केट पेनिट्रेशन आप कर पाए। मैं मार्केट पेनिट्रेशन बेसिकली क्यों की जाती है, स्टार्टिंग में कम प्राइस, बाद में मार्केट शेयर कैप्चर करना है। आगे कहता है कि आप देखें कंपेटिटर की प्राइसिंग को, बड़ा कीनली ऑब्जर्व करें, क्योंकि आप नहीं छोड़ सकते, आजकल तो इतना सा लूप होल नहीं दे सकते, क्योंकि कस्टमर लूज होने का डर है। अभी हमने देख ही लिया कंपटीशन प्राइसिंग, तो हमने ऊपर बात कर ली है, ये वही है। हाँ, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी वो है बेसिकली कि कॉस्ट जो इनकर हो रही है, प्लस उसमें आपने अपना मार्कअप, मतलब प्रॉफिट मार्जिन रख लिया, और वो प्रोडक्ट आपने क्या कर दी, बेच दी। बाज लोग ये मार्जिन फिक्स कर देते हैं, कुछ चेंज भी करते हैं कस्टमर के हिसाब से, डिपेंड करता है। देन है डायनेमिक, डायनेमिक प्राइसिंग में बेसिकली इसको सरचार्ज प्राइसिंग भी बोलते हैं, डिमांड प्राइसिंग, जितनी डिमांड ज्यादा उतने वो ज्यादा करते हैं प्राइस। तो ये कहते हैं इसको फ्लेक्सिबल प्राइसेस भी बोलते हैं, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी प्राइसिंग सेट हो रही है, कस्टमर की डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग। फ्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, दो वर्ड है फ्री और मीम, प्रीमियम्स। ये वो होता है कि प्रोडक्ट तो आपने भेजी कस्टमर को, आपने बेच दी, जब कस्टमर ने पे कर लिया, तो उनको ये ख्वाहिश होती है कि बाद में यही लोग इसका अपग्रेड या अपवर्ड वर्जन परचेज करने के लिए ज़्यादा पैसे देंगे। ये जैसे सेलुलर फोन्स के अंदर प्रो प्राइम का कॉन्सेप्ट होता है, तो यही नंबर 5 इज हाई लो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, या ज्यादा या कम। जैसे साल स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, ये सेल लगा ली आपने, ऑफर दे दी, डिस्काउंट, प्राइस कम कर दी, देखा जब सारा स्टॉक निकल गया, कुछ चीजें रह गई, क्लीयरेंस सेल लगा दी, स्कीमिंग अभी आपको बताया, स्टार्टिंग में हाईएस्ट बाद में लोएस्ट, पेनिट्रेशन भी बता दिया, स्टार्टिंग में लोएस्ट बाद में ज्यादा। प्रीमियम प्राइसिंग क्या है जी, लग्जरी प्राइसिंग विदाउट कंसीडरिंग इनकम या ये है वो है आपकी परचेजिंग पावर, ये बेसिकली प्रेस्टीजियस प्राइसिंग होती है, हर चीज के लिए नहीं होती इनके कस्टमर।
फरारी हर साल रेड एडिशन में एक ही गाड़ी प्रोड्यूस करती है, उसकी जो प्राइस या वो रखते हैं अल्टीमेटली वो किसी को देख के नहीं कर रहे होते, वो अपने हिसाब से उसकी प्राइसिंग सेट कर लेते हैं। दुनिया में से जिसने वो परचेज करनी होती है वो फरारी को कॉन्टैक्ट करके वो अपने पास ला सकता है। उसके बाद कहते हैं कि प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग, अच्छा प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग में क्या है, ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बाकी सारा कुछ इसमें आप कंपोनेंट्स देखते हैं बाकी सारा कुछ है, फ्लैट भी रख लेते हैं रेट, बाय पार्ट्स भी होता है, इतनी कंप्लीशन होगी इतना फेज हो गया उसके हिसाब से, जिस तरह आपकी ये रोड कंस्ट्रक्शन होती है पर किलोमीटर के हिसाब से, उसमें उन्होंने लेबर बाकी सारी चीजें वो इंक्लूड की होती है। उसके बाद वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में क्या है, जैसे जैसे आप जितने वैल्यू एडिशन करते जाए प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, मतलब यहाँ पे भी कस्टमर क्या विलिंग है उतनी प्राइस पे करने के लिए, क्या उसको लगता है कि ये जो प्राइस है प्रोडक्ट की ये जस्टिफाइड है। जियोग्राफिक तो अपने अपने हिसाब से, बाज जियोग्राफिकल एरियाज में लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा होती है बाज में कम, तो उसके हिसाब से पे करता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंट मार्केट के अंदर कंपनी अपनी सेम प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 3 तरह की होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में बेसिकली क्या होता है कि आप प्राइस उतनी सेट करते हैं कि जितना कस्टमर एग्जैक्टली अपनी इनकम के हिसाब से उस प्रोडक्ट को पे करने के लिए एग्री होते हैं। सेकंड डिग्री में आप क्या करते हैं कि आप डिस्काउंट ऑफर करेंगे, जान के लालच देंगे ताकि कस्टमर ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज कर, ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर। थर्ड डिग्री क्या है, आप सेगमेंट बनाए, हाई डिमांड ग्रुप लो डिमांड, हाई डिमांड वाले में प्राइस ज्यादा लो डिमांड वाले में कम, सिंपल। तो ये था आपका सिलेबस चैप्टर सेवन, पूछ लें किसी का कोई क्वेश्चन है तो इसमें। गुड इकरा जी, अब है सिलेबस रेफरेंस नंबर 7। अच्छा इसमें बहुत सारी चीजें हमने एक देखा था वो मार्केटिंग प्लान। अच्छा वो मार्केटिंग प्लान में अगर यहाँ पे आपके हिसाब से क्वेश्चन आएगा, मार्केटिंग प्लान लिखाने का तो नहीं आ सकता ना आपसे, मार्केटिंग प्लान के हिसाब से पूछ सकता है इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, किस चीज के अंदर कौन सी चीज आ सकती है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंपल। हाउ टू डेवलप बिजनेस प्लान, हाउ टू डेवलप इफेक्टिव बिजनेस प्लान, या व्हाट आर द नेसेसरी कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान, यू क्वेश्चन दे। एक फिर यहां पे हमने देखी थी स्ट्रेटेजीज, फंक्शनल स्ट्रेटेजी जो कि टेक्निकल मैनेजमेंट यूज कर रही थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज मैनेजमेंट, बेसिकली चेंज क्या है कि जब आप एक एग्जिस्टिंग स्टेट से न्यू स्टेट की तरफ जाएं उसको क्या बोलते हैं चेंज, यानी कि एक चीज जो कि इक्विलिब्रियम में है पहले उसके हिसाब से सारी चीजें हो रही हैं आप उसको डिस्टर्ब करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई सेम ना रहे कुछ भी कह रहे, कहते दो तरह की चीज प्लान भी अनप्लान भी। प्लान कौन सी होती है वो चेंज, मतलब आपको पता होता है इसको हम प्रोएक्टिव चेंज बोलते हैं, जिसका आपको पहले से पता होता है और आप उसके लिए पहले से तैयार होते कि हम इसको कैसे मैनेज करेंगे बाकी सारा। अनप्लैंड चेंज कौन सी है, वो चेंज जिसके बारे में आपको पहले से कुछ पता नहीं था,
ऑल ऑफ अ सडन अचानक से हुआ और आपने उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड किया, इसको रिएक्टिव चेंज हुआ। फिर कहते हैं आपके पास चेंज जो होती है वो इंक्रीमेंटल भी होती है और ट्रांसफॉर्मेशनल भी होती है। इंक्रीमेंटल चेंज वो होती है जो कि स्मॉल चेंज हो, जिसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अपना चेंज या वर्क प्रोसीजर का ये सारी चीज़ें चेंज ना करनी पाती हैं, और ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज बड़ी चेंज होती है जिसके लिए आपको रीस्ट्रक्चरिंग रिक्वायर्ड। ट्रिगर्स क्या है चेंज के, किस चीज़ की वजह से चेंज आपकी इनकर होती है। नंबर वन, एक्सटर्नल चेंज तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल फैक्टर्स, इनमें जब चेंज है। अब देखें फॉर एग्जांपल आपके सामने पॉलिटिकल चेंज है, बिजनेसेस ने उसके अकॉर्डिंग भी अब सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी, क्योंकि बाज गवर्नमेंट्स बाज बिजनेसेस की फेवर में होती हैं, बाज के अगेंस्ट होती हैं। यूं ही जैसे फॉरेन ट्रेड, जैसे फॉरेन पॉलिसी, इंडिया के साथ आपका ट्रेड बंद, सारे बिजनेसेस जो के करते हैं वो इन पॉलिसी से अफेक्ट होते हैं। न्यू लॉ बन गया कोई बिजनेस का, वो भी इफेक्ट करे। आगे कहता है इंटरनल चेंज फैक्टर्स कौन से, कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट चेंज होगी, जारी बात है पहले वाली मैनेजमेंट चीजें अपने हिसाब से देती थी, अब ये अपने हिसाब से चीजें करेगी। मर्जर एक्विजिशन, आपने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया या मर्ज हो गया, तो अब आपका तो डिसीजन नहीं होगा ना 100%। डी मर्जर और डाइवेस्टमेंट, ये आपको मैंने बड़ा डिटेल में सुनाया था पाकिस्तान में किस बेसिस पे मर्जर एक्विजिशन होते हैं। फिर डी मर्जर भी होगा। उसके बाद कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन, डाउनसाइजिंग, रैशनलाइजेशन। यस, रीऑर्गेनाइज तो ये है ना कि अब आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर सूटेबल नहीं है, उसको रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। डाउनसाइजिंग, एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स कम करना। रैशनलाइजेशन, करंट ऑपरेशनल प्रोसीजर आपके अब एग्जिस्टिंग सिस्टम के हिसाब से फिट नहीं बैठ, उनको चेंज करने की ज़रूरत है। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन, एक तरह की इन्वेस्टमेंट मत करें, मल्टीपल टाइप। रिएक्शन टू चेंज क्या होता है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये, नंबर वन विलिंग एंड एंथुसिएस्टिक एक्सेप्टेंस, क्या सुनामी, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है, क्या होता है लोग चाहते हैं। चेंज हो तो वो एक्सेप्ट करते हैं चेंज। आगे ब्रिगर्जिंग एक्सेप्टेंस, मतलब दिल पे हाथ रख के, बस पत्थर रख के, सॉरी हाथ नहीं पत्थर रख के, मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ गया, हल कोई नहीं था इसके अलावा। आपने कहा भाई हम मजबूरी ये है कि इसको हर हाल में हमें करना पड़ेगा, ये भी होता है, एम्बेरसमेंट भी होती है, आपका मोरल भी कम होता है, बाकी भी है, बट क्या करें हल नहीं।
रिटायरमेंट क्या है, एम्प्लॉयज टेढ़े हो गए, उन्होंने कहा रिजेक्ट चेंज, नहीं चाहिए, पुराना पाकिस्तान चाहिए। अब इसके अगेंस्ट क्या होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाएगा अल्टीमेट, स्ट्राइक एक्शन। मतलब अगर इनमें से कोई डिसीजन एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप के लिए हार्मफुल हो तो वो लोग क्या करेंगे, स्ट्राइक्स ही करेंगे ना, उस चीज के अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे। तो बात कहता है लेवर्स ऑफ चेंज हैं इन चीजों की वजह से। नंबर वन, सबसे पहले कहता है आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि चेंज क्यों रिक्वायर है। ऑर्गेनाइजेशन का लीडर क्या चेंज चाहता है, अगर वो चाहते हैं तो याद रखें चेंज अकोमोडेट होगी, अगर वो नहीं चाहते तो याद रखें, क्योंकि लीडर्स उनके पास है ना असल में तो पावर, वो फेल करा देंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, लोगों को बताएं ये चेंज क्यों रिक्वायर है, जैसे मुझे क्यों हटाया, मैनेजमेंट के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो इम्प्लीमेंट करवा सकें चेंज। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट वर्क रिलेशनशिप्स एंड मैनेजमेंट, रिवॉर्ड सिस्टम, क्योंकि अल्टीमेटली लोग अफेक्ट होंगे चेंज से, आपको उनको रिवॉर्ड देना पड़ेगा। फिर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपके हैं, उनको एजुकेट करें, ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। ये हल नहीं होता कि एक चीज चेंज हुई और आप कह रहे हैं यार हमारे एम्प्लॉयज को कुछ नहीं आता, तुम्हें काम करना नहीं आता, नहीं। तो भाई वो जो नॉलेज जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था वो जो लेके आए थे वो उसके लिए था। अब आपकी अगर डिमांड चेंज हो गई है, जॉब नेचर चेंज हो गई, तो भाई उनको सिखाएं तो सही। सेवन आवर्स ऑफ द चेंज, नंबर वन इंपॉर्टेंट। तो जनाब इसमें नंबर वन, ये चेंज की रिक्वेस्ट की किसने, कौन चाहता था। नंबर टू, रीजन क्या है बिहाइंड चेंज। नंबर थर्ड, रिटर्न क्या मिलेगा, रिस्क क्या इन्वॉल्व चेंज, रिस्पॉन्सिबल कौन, कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर। रिलेशनशिप क्या आपका चेंज कैसे, उसके बाद हमने देखा था लेविन का फोर्स फील्ड एनालिसिस। इसने कहा था दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक को हम ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं और एक को रिस्ट्रेंटिंग। ड्राइविंग फोर्सेस वो होती हैं जो कि चेंज के फेवर में होती हैं और उनकी वजह से चेंज अकोमोडेट हो पाती है। रिस्ट्रेंटिंग फोर्सेस वो होती हैं जो कि अपोजिंग होती हैं चेंज के और इनकी वजह से चेंज का प्रोसेस अफेक्ट हो सकता है। तो हमने देखा था ये डिफरेंट इसमें फैक्टर्स थे, एटीट्यूड लोगों का, रिलेशनशिप लोगों का, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की कैसी, इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, बाकी सारी चीजें। तो लेवन ने कहा बेसिकली हमें ना एक बैलेंस क्रिएट करना होता है और हमें रिस्ट्रेंटिंग फोर्सेस को रिड्यूस करना होता है, ड्राइविंग फोर्सेस को इंक्रीज करना होता है। रिस्ट्रेंटिंग फोर्सेस को जितना डिक्रीज करेंगे वो उतना स्ट्रांगली जो ड्राइविंग फोर्सेज है उनको हिट करने में हेल्प करेंगे, तो ये जरूरी है। उसके बाद हमने देखा था लेवन का ही डिफरेंट चेंज के ये स्टेजेस थी। सबसे पहली क्या थी,
अनफ्रीज, अनफ्रीज में क्या होता है, कहता है कि आप ना लोगों को एग्जिस्टिंग सिस्टम के हिसाब से अनकंफर्टेबल फील कराना शुरू करते हैं। आप उनको कहना ये शुरू करते हैं, जैसे आपको नजर ही आता है ये सिस्टम खराब हो चुका है, अब तब्दीली की जरूरत है, इस किस्म की बातें करते हैं, उनको डिससेटिस्फेक्शन फील करवाते हैं, ये गेम होती है जिससे आप बेसिकली अपना पर्सनल इंटरेस्ट या क्या होता है जो आप चाह रहे होते हैं वो चीज लाने की कोशिश करते हैं। अच्छा क्यों होता है ये, इसके बिहाइंड ना इतना स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि लोग इस बातों में आ जाते हैं, ये खेलते ही वहां से। तो कहता है कि आप उनको ये चीज, चेंज स्पॉन्सर या चेंज एजेंट जो है ना, वो ये कॉन्सेप्ट लाएगा कि जी तब्दीली है, इसके अलावा कोई हल नहीं है, डीजल पे बिजली बनानी है, पेट्रोल को भी गोली मारो, कोल को भी, एलएनजी तो हम लेना भूल गए थे, बाकी सारी चीज, बट तब्दीली आनी जरूरी, वो आई है तब्दीली। ये इतनी खतरनाक होती है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी, विद इन दी सोसाइटी भी, और बाकी भी लोगों की सोच मफलूज कर देती है। लोग जब बातें जस्टिफाई नहीं कर सकते, वो आगे से बदतमीजी करते हैं, फिर इन लोगों की आंख में पड़ता है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली इतने डिस्टर्ब हो चुके होते हैं अपने आप से और वो बातों से, इनसे कोई बंदा जब कोई जस्टिफिकेशन या रीजन मांगता है ना, तो ये आगे से बहस करने लग पड़ते हैं। सूटेबल आर्गुमेंट ये नहीं देंगे क्योंकि इनको पता ही नहीं होगा। ये आपको कहेंगे फॉर एग्जाम्पल, अब एक बंदा कह रहा है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम गलत है, अब वो कह रहा है कि क्या ऑफशोर कंपनी गलत है, उसने बता दिया जी ऑफशोर कंपनी गलत है, ये है इनकी ऑफशोर कंपनी है फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेशन तो बताई नहीं। अब आप किसी से पूछेंगे ना, उन्होंने ये चेंज का प्रोसेस आपके अंदर ये चीज इंप्लीमेंट कर दी कि आपको एग्जिस्टिंग सिस्टम से डिससेटिस्फाइड फील करवा दी, आप उनसे पूछें इनकी ऑफशोर कंपनी है, तो भाई क्या हुआ है, ऑफशोर है क्या पहले ये तो बताओ ना, वो नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ना उनके पास एजुकेशन का वो लेवल, ना उन्होंने पढ़ा लिखा, ना उनको पता था उनकी सोच कैप्चर किस तरह से कर दी गई, ये है असल। अगर ऑफशोर कंपनी गलत होती है, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफशोर कंपनी तो एप्पल है, लोगों को तो यहां पता भी नहीं ऑफशोर है क्या। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आप अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, उनको ऐसी ऑफर देते हैं, लोग अपना विजन उन तक लेके जाते हैं, आप चीजें कम्युनिकेट करते हैं कि ये चीजें आपको इस तरह से इफेक्ट करेंगी। बेसिकली अल्टीमेटली क्या है कि आपने उनको डिससेटिस्फेक्शन फील करवानी है, वो जैसे भी करवाएं, ये अगले बंदे के ऊपर है कि वो कितना स्ट्रांग है कि उसकी बात को कैप्चर किया जाए। सेकेंड स्टेज होती है चेंज या मूव और ट्रांजिशन। अच्छा अब ये वो स्टेज है बेसिकली जिसमें अब आप मूव कर चुके होते हैं चेंज की तरफ, क्या नंबर 1, अब हो गया, अगर चेंज आ गई, नया पाकिस्तान बन गया, पुराने में आप आ गए, क्या वो जो रिसोर्सेज रिक्वायर थे चेंज के लिए, क्या वो प्रॉपरली प्रोवाइड किए गए? नहीं भाई, 1 करोड़ नौकरी कैसे आ सकती है? इकोनॉमिक्स कहती है हर कंट्री का अपना प्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है, YF, आप उससे बियॉन्ड तो नहीं जा सकते।
तो क्या वो रिसोर्सेज आपने प्रोवाइड किए? ये तो अभी चीजें रिपोर्ट्स आपके सामने आना शुरू हो गई हैं, ये तो शुक्र करें बहुत अरसा पहले इनको जरा कर दिया सैड ने। आप देखे ना चेंज का वो इम्पैक्ट क्या था, वो ये इम्पैक्ट था कि जो आपको बताया गया जिस चीज से डिससेटिस्फाइड फील करवाई गई, अगर ये ना होता आज आपको पता लग रहा होता कि आपका सर्कुलर डेट कहाँ पे लाए कर रहा। बिजली आपके सामने, देखिए मैं तो इतना वो प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर बात कर रहा हूँ ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ सारी बातें, अब अच्छी लगे बुरी लगे मैं तो नहीं कह सकता ना, मैं तो वो बता रहा हूँ। आप इससे बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल ये चेंज मैनेजमेंट की आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, ये जो वो बता रहा है एक्चुअल फेजेस है जो कि आप प्रैक्टिकली, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि आप देखे ना एफिलेशन होती है देन हम बुरा, तो इसको उस एंगल में मत लें, आप यहाँ पे लर्निंग पर्सपेक्टिव में देख रहे, उनको दफा करो साइड पे करो आखिर नेक्स्ट चीज। तो होता क्या है जब आप इन चीजों के रिसोर्सेस भी आपने प्रोवाइड कर दिए, लोगों को क्लियर भी कर दिया, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको भी रिजॉल्व कर दिया, अल्टीमेटली जो चेंज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आनी थी वो तो अल्टीमेटली कम हो गई, वो तो होगी नहीं। रीफ्रीज। अच्छा अब यहाँ पे एक बड़ा मसला होता है, कुछ दिन पहले नया पाकिस्तान था, कुछ दिन बाद पुराना पाकिस्तान, तो क्या होता है लोग अपनी पुरानी आदतों में वापस चले जाते हैं, तो ये डर होता है रिस्क होता है कि वो जो एम्प्लॉयज आपने ट्रेन किए बाकी सारा कुछ किया उनको चेंज के अकॉर्डिंगली लेके आए तो अल्टीमेटली वो भूल जाएंगे नई चीजें और दोबारा से वो पुराने काम करने के तरीके या उन पे चले जाएंगे। तो कहता है ये बड़ा एक तल्ख प्रोसेस होता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है, इसके लिए आपको रिवॉर्ड्स देने चाहिए ताकि लोग मोटिवेट रहें, एडॉप्ट करें चीज़ों को, पार्टिसिपेशन आप उनकी इंक्रीज करें। उसके बाद जेमनी का 4 आर मॉडल रीफ्रेम, सबसे पहले कहता है आप डिजायर क्रिएट करें चेंज, नंबर टू विजन लाइन, मेयरमेंट सिस्टम लाएं कि जिसे हम मेयर करेंगे चेंज के परफॉर्मेंस मेथड को, कैसे चेंज अच्छी जा रही है पॉजिटिव या नेगेटिव, रीस्ट्रक्चर करें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, देखें रिसोर्सेज, देखें वर्क प्रोसेसेस को, बाकी सारी चीजों को रीडिजाइन करें, रिवाइटलाइज में करें एंटिटी की फ्यूचर कमिटमेंट क्या है, क्या वो मार्केट में एक्सपेंड करना चाहते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स लाना चाहते हैं, न्यू बिजनेसेस इन्वेंट करना चाह रहे, कंपटीशन कैसे करेंगे, टेक्नोलॉजी रिन्यू करें, डेवलप करें विदिन ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल्स, उनकी स्किल्स को एनहेंस करें, रिवॉर्ड दें मोटिवेट करेंगे, लर्निंग इनहेंस करें। इसके बाद मैकेंसे का 7S मॉडल था, इसने कहा था 7 फैक्टर होते हैं जिसको उसने मेन दो मेन स्ट्रीम्स में डिवाइड किया, हार्ड फैक्टर और सॉफ्ट फैक्टर। इसने कहा हार्ड फैक्टर वो होते हैं जो कि रिलेटिवली इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं और इनको डील करना बड़ा आसान होता है, जबकि सॉफ्ट फैक्टर्स वो होते हैं जो कि आइडेंटिफाई करना जरा डिफिकल्ट होता है और इनके साथ डील करना, इनको मैनेज करना, कंट्रोल करना आसानी से नहीं होता। नंबर 1 स्ट्रेटेजी, इसमें क्या है ऑर्गेनाइजेशन के गोल ऑब्जेक्टिव वगैरह, देखें आपको लगता है जब ये कंसिस्टेंट नहीं है विद ऑर्गेनाइजेशन तो आप उसको चेंज कर लेते हैं, स्ट्रक्चर चीजें सही ना हो रही हो तो आप रीस्ट्रक्चर करते हैं, सिस्टम अगर प्रॉपरली सिस्टम प्रोसीजर्स वो सीक्वेंशियल स्टेप्स नहीं हो पा रहे तो आप रीडिजाइन कर लो, सॉफ्ट एलिमेंट शेयर्ड वैल्यूज, अब वैल्यूज कोई बंदा नहीं चेंज कर सकता, और एंटिटी की जो पहले से वैल्यूज है कमिटमेंट है बाकी सारा कुछ है वो चेंज नहीं करेगा, स्टाइल ये भी कल्चरल करेक्टरिस्टिक है ये भी नहीं चेंज कर सकता, इसको चेंज करने जाएंगे तो बड़ी उल्टा होता। एग्जाम्पल आपके सामने एक फॉर एग्जाम्पल, वैसे इसके हिसाब ये जो बॉलर्स होते हैं इनके स्टाइल चेंज करते हैं तो आप कुछ अरसे बाद देखें वो इफेक्टिव ही नहीं रहते,
बिल्कुल यही है यहाँ पे। स्टाफ, उनके अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं, मोटिवेशन लेवल होता है, लॉयल्टी होती है, बाकी सारा। लॉयल्टी अब आप चेंज कर सकते हैं, जिस बंदे ने धोखा देना है वो किसी भी टाइम पे, आप बेशक उसको हाई पे दे दें, जो मर्जी कर लें, वो लॉयल्टी खत्म। स्किल्स आपकी पर्सनल, ये तो हर किसी का पर्सनल एट्रीब्यूट होता है, वो बाज चीजों में अच्छा होता है, बाज में बुरा होता है, क्या हो। तो ये कहते हैं इनको डील करना बड़ा डिफिकल्ट है। तो ले जनाब, ये अच्छा रहा जी सफर आप लोगों के साथ, इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब अच्छा होगा, पेपर भी इंशाल्लाह आप लोगों से अच्छा होगा। उम्मीद ये करते हैं कि मे भी अगर मिलना हुआ तो नेक्स्ट लेवल में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। बाकी अगर मेरी किसी को कोई बात ड्यूरिंग दी सेशन बुरी लगी हो, वैसे की नहीं, बाकी अगर वैसे होता है ना इंसान, तो उसके लिए माजरत। कोशिश मैंने की कोर्स का हक अदा कर लूँ, बट कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते। तो अल्टीमेटली हम जो कर सकते हैं हम वो करते हैं, बेस्ट एफर्ट करते हैं। आपकी बॉडी जो आपके लिए कर सकती है वो करती है, हम एज ए टीचर जो कर सकते हैं वो करते हैं। एक चीज होती है लर्निंग में, इकरा ओके, एक चीज होती है, देखिए दो चीजें होती हैं, बाज लोग सिर्फ थैंक यू इकरा, अच्छा दो बातें, एक या तो आप डंडे के जोर पर पढ़ रहे होते हैं, एक चीज होती है प्रैक्टिकल फुलफिलमेंट होती है जिसको आप बोलते हैं पीस ऑफ पेपर। एक चीज होती है कि आपको वैसे चीजें पढ़ने का और ये शौक होता है, नॉलेज इक्वायर करने का शौक होता है। फिर देखें दो ही चीज होती है, मैं हर क्लास में ट्रेंड नोट करता रहा, काश ये हम फिजिकल होते या बाकी मेरे हाथ में कुछ होता ना, जो कि मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, मैंने मेल भी डाल दी है ऑफिशियल अटेंडेंस पे, मैंने 5-6 क्लासेस की बड़ी एक्चुअल पिक्चर्स लेके रखी हैं, ये जो स्टार्टिंग में आते थे गायब हो जाते थे और बाकी सारा कुछ। तो वो तो बॉडी ने एक्शन लेना है ना, काश मेरे हाथ में होता तो फिर मैं बताता। कोशिश की है तैयब, तो बाकी है कि आप सारे खुश रहें, मेरी बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक, ये पेपर इम्पैक्ट लाजमी पड़ेगा इस दफ़ा, ये पक्की बात है, इंशाल्लाह मोस्टली लोग आप क्लियर करेंगे जिन्होंने क्लासेस ली है, मेरा ईमान होता है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि हमें पता होता है बीइंग अ प्रोफेशनल बॉडी टीचर बाकी सारा कुछ, कि अगर आपको कॉन्सेप्ट है ना आप लिखते हैं, तो मेरा एक चीज़ पे ईमान है कि वो जो आप लिखते हैं ना वो आपके मार्क्स खुद प्रोटेक्ट कर देती है ये चीज़। और वो कॉन्सेप्चुअली अगर आप इतने स्ट्रांग हैं कि आपको पता है टीचर आपके ने ये बात की थी इसमें, तो वो आपको लिखना आता है या ये, तो बस पेपर आप समझे क्लियर है। हाँ वो चीज़ किस तरह से वो दे या ये करे वो एक अलग बात है। तो अपनी दुआओं में अपने साथ साथ किसी दिन मुझे भी याद रखिएगा अल्लाह। एक चीज, दूसरी चीज, आज की रात इंशाल्लाह आज पूरी आपके लिए लगाऊंगा, और ये जो आपके हैं नोट्स और जो चीजें मतलब उसमें हैं वो फुल फाइनल करके पाइपलाइन आपके इसमें भेज दूंगा। मैं अभी कुछ दिन पहले भी मुझसे हेड ऑफिस से कॉल आई थी, उन्होंने फिर पूछा था रिकमेंडेबल पर ये, मैं बोल के बड़ा गुस्से में भी बोला था, बात भी की थी और मैंने आपकी बात पहुंचा दी थी, क्योंकि मेरा हक बनता है आपकी तरफ और आपका मेरी तरफ,
जो चीज है आपको हर्डल आ रही है, टीचर को मसला नहीं होता, उसने चीजें की होती है, मसला स्टूडेंट को होता है। तो वो मैंने आपके बिहाइंड पे फिर जो मेल दोबारा की, मैंने वो बुक के तो नाम रिकमेंड कर दी, बट मैंने साथ साथ मैंने उनको ये कहा मैं स्टिल अपने पॉइंट पे स्टैंड करता हूँ, ये कोर्स गलत डिजाइन हुआ हुआ ये भी, और लेवल 4 में भी इसको रिव्यू करने की जरूरत है। तो मैंने हर फोरम के ऊपर बात की, ठीक है, अल्लाह करे कि चले इस दफा जो भी हुआ या ये है, नेक्स्ट अल्लाह करे कि वो आपके लिए इम्प्रूवमेंट में हो, तो हम यही कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो सारी चीजें बेस्ट होंगी। बॉडी जो कर सकती थी उन्होंने अपना बेस्ट दिया। मैं आगे भी कह चुका कि मैंने इतनी स्ट्रांग सपोर्ट कहीं पे नहीं देखी जो इन्होंने दी, और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि इस दफा कोई भी चीज वो ऐसी नहीं होगी जो कि इन रेलेवेंट पेपर के अंदर या ये होगी, हम तो उम्मीद कर सकते हैं तो नहीं होगी। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए दो लोग इक्वल नहीं हो सकते, वो जो क्लासेस लेते हैं रेगुलरली और दूसरे जो कि क्लासेस नहीं लेते। अब रूम किसने देना है, वो बॉडी ने देना है, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। अल्टीमेटली मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बाकी मेरी सारों मेरी दुआ आप सारों के साथ है, इंशाल्लाह चेंज होगा, चेंज नजर भी आएगा, और जहाँ कॉन्सेप्ट है बाकी सारी चीजें हैं। तो आपने डरना नहीं है, क्योंकि जो आपके कोर्स के हिसाब से जो चीज बनती थी वो नोट्स, एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपके पास पड़ेगा, तो इंशाल्लाह रिजल्ट इम्प्रूव होगा आगे से बहुत ज्यादा होगा, मुझे ईमान है इस चीज में। बाकी जी किसी की कोई बात कहना चाहे या ये वो कह सकता है, या कुछ पूछना चाहे पूछ सकता है। मैंने कोशिश की जी कि जो कराया पीछे वो बड़ा कम्प्रीहेंसिवली हम रिवीजन में, अब ये तो आप लोग बता सकते हैं क्या ये जो 6-7 सिलेबस रेफरेंसेस थे हमने ये दिन में वो मुझे पता है मेरा कितना जोर लगा, और बाद में रोजे के बाद जो हालत होती है ना वो बता सकती है। बाकी मैंने कोशिश की एक कम्प्रीहेंसिव अच्छी सी रिवीजन भी हो जाए, मैंने रिक्वेस्ट भी की थी उनसे, बाकी क्योंकि बाकी शायद टीचर्स की क्लासेस कुछ एंड भी हो चुकी, हमारा कुछ लेट स्टार्ट हुआ, ये तो इनकी बॉडी की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने उसे समझा, 1 वीक हमें एक्सटेंशन दी, इस पे फीफा का थैंक यू भी है जी कि जी वो हमने की है। तो बाकी मेरा थैंक यू है पर्सनल फीफा सारी मैनेजमेंट को, उन लोगों को जिन्होंने क्लासेस अरेंज की स्पेसिफिकली, उसमें सबसे पहले जो हर दिन सुबह आते साथ क्लास का मैसेज कर देते होते थे अली, उनके लिए अकबर भाई, हसनैन भाई, ये इन लोगों ने लिटरली बहुत ज़्यादा एफर्ट की, और मैं नहीं समझता कि मुझे आज तक कहीं पे भी इतनी सपोर्ट स्ट्रांग कहीं पे भी मिली होगी, इन सब का बहुत ज़्यादा थैंक यू है। बाकी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आगे लाजमी मुलाकात होगी, उम्मीद तो मेरी है वो इंशाल्लाह। तो बाकी अगर कोई बात मेरी बुरी लगी है तो उसके लिए सॉरी, बिल्कुल इकरा इंशाल्लाह वो मैं आई ग्रुप में इंटीमेट कर दूंगा, आपका एक मौक रखूंगा, आप लोगों ने उसका तरीका भी मैं आई ग्रुप में ना रात को दो सॉरी एक नहीं, मैंने प्रॉमिस किया था 2 मौक रखूंगा। तो ईद के बाद इंशाल्लाह जैसे ही ये छुट्टियां एंड होती हैं ना तो मैं आपको वो करके ऑफिशियली एक ग्रुप में फीफा की तरफ से भी मैसेज करवा दूंगा, और मैं खुद भी इंटैक्ट रहूंगा, सिर्फ मुझे चेक करके आपको देना पड़ेगा, वो इतना आपका राइट बनता है मेरी तरफ और मेरा कि वो मैं आपको करके दूंगा। 2 मॉक इंशाल्लाह हम ऑफिशियली कंडक्ट करेंगे इस सब्जेक्ट पे, उसमें आपको ईच ईच चीज बताऊंगा कि ये है ये है, उसकी डिस्कशन भी मैं कोशिश करूंगा फीफा से अगर वो करा दें तो वो पेपर स्टाइल अप्रोच को ही फॉलो करके आपको बना के दूंगा पेपर, तो आप वो कीजिएगा इंशाल्लाह। मैं रात को आज वो सारी चीजें आपको ग्रुप, मैंने कहा आज रात आप लोग जो बंदा जागता है या ये वो आज रात मेरे साथ इंशाल्लाह 11 बजे से लेके सुबह सहरी तक रहेगा, तो हम ईच एंड एवरी वो आपको साथ साथ सेंड करता जाऊंगा, कोई आपका क्वेश्चन हुआ आप उसके बारे में आज पूछ सकते हैं, बाकी सारा वो हर चीज आपको प्रोवाइड करूंगा, और आज ही करूंगा, आज का दिन रात आपके लिए रखी है स्पेशली रखी, ठीक है जी? तो इंजॉय करें अपने अपने खर्चे पे, खुश रहें, अल्लाह आबाद रखे आप सारों को, गो के मैं शायद आप में से कईयों में से बहुत छोटा भी हूँ ये बहरहाल, क्योंकि एज ए टीचर तो हूँ, अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियाँ दे इंशाल्लाह।
फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।